नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अनुप्रिया पटेल ने कटाप का मुद्दा उठाया लोकसभा में, तो सामान्य वर्ग से ज़्यादा कटाप होने पर जताई नाराजगी। कहा सामान्य वर्ग के समान नंबर हो तो अनारक्षित माना जाए। तो ये हैं अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल, जो कि गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सरकारी भर्तियों में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कटाप सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से ज़्यादा होने का मामला उठाया। पूर्व मंत्री पटेल ने मांग की है, किसी भी परिस्थितियों में यदि आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट समान वर्ग के समान उससे अधिक नंबर पाता है तो ऐसे कैंडिडेट को अनारक्षित कोटे में नौकरी दी जाए। तो अभी भर्ती में MRC का मुद्दा उठ रहा है, ओवरलैपिंग का उठ रहा है, क्वेश्चन विवाद है, तो यानी कि भर्ती पूरी तरह से ही फंसती हुई नज़र आ रही है। तो अब MRC को लेकर भी काफ़ी लोग न्यायालय की शरण में हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पता चला अनुप्रिया पटेल को, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। तो खैर जो भी हो, सब अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो आरक्षित वर्ग को संविधान प्रदत्त आरक्षण के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, ये कहा है अनुप्रिया पटेल ने। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार खबरें आ रही हैं कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का कटाव सामान वर्ग के उम्मीदवारों से ज़्यादा है। ऐसे रिजल्ट का मतलब यह है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो सेलेक्ट होने के लिए आपको जनरल कैटेगरी के कटाव से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति में भी समान वर्ग का कटाप 86 तो OBC कैटेगरी का 99% रहा। इसी तरह से राजस्थान RSS परीक्षा 2013 में OBC कैटेगरी का कटाप जहां 381 और जनरल कैटेगरी का कटाप 350 रहा है। RPF के सब इंस्पेक्टर के लिए बनी मेरिट लिस्ट में OBC कैटेगरी का कटाप 95.53% रहा है, जबकि इससे कम 94.59% लाने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। ये हाल दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 80 कैंडिडेट की कटाप 85.45% निर्धारित की, जबकि जनरल कैटेगरी की कटाप उससे काफ़ी कम रहा। तो ये कहा है आरक्षित वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से अभी भी बहुत पीछे हैं और समान अवसर अभी उनके लिए सपना है। ऐसे वर्ग के कैंडिडेट का समानता उम्र और फीस जैसी छूट हासिल करना मजबूरी है। तो OBC की आबादी देश की आबादी का 52% है। आर्थिक और सामाजिक रूप से अशक्त होने के कारण इस वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसी वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए तय किया जाए। किसी भी परिस्थितियों में अगर आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट समान वर्ग के समान या उससे अधिक नंबर पाता है तो ऐसे कैंडिडेट को अनारक्षित कोटे में नौकरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षित वर्ग के संविधान प्रदत्त आरक्षण के अधिकार से वंचित होंगे। तो ये कहा है लोकसभा में अनुप्रिया पटेल ने। और शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले का भंडाफोड़ हुआ है, जहां 7 दबोचे गए हैं। सोराव पुलिस ने की गिरफ्तारी, 7.5 लाख रुपये में बरामद किए हैं। एक अभ्यर्थी तो ऐसा जिसका चयनित लिस्ट में भी नाम है। तो शिक्षक भर्ती में पास कराने का ठेका लेने वाले 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कई फरार भी हैं अभी तक। किसी को एक तो किसी को 2 लाख रुपये डायरी में मिली है अभ्यर्थियों के नाम, स्कूल से आउट होता था पर्चा। तो पुलिस का कहना है कि सरगना जो है स्कूल से ही पेपर आउट करते थे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात है कि आरोपियों के पास से जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां मिली हैं उनमें से एक का नाम शिक्षक भर्ती की चयनित लिस्ट में भी शामिल है या बस्ती जिले का रहने वाला है। पुलिस अफसर का कहना है कभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जाँच की जा रही, गिरोह के लोग किसके किसके संपर्क में थे। इनके कब्जे से एक डायरी मिली जिसमें 70 लोग के नाम है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आरोपित के कब्जे से बरामद की है उनमें से तो कई शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मिले हैं। और फिर न्यूज निकली है यहाँ पे, शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जातियों के साथ किया जा रहा है अन्याय। तो गाजियाबाद छात्र नेता ने शिक्षक भर्ती पर उठाया सवाल। छात्र नेता विपिन नागर ने प्रदेश के अंदर होने वाले 69,000 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के पिछड़े वर्ग की तमाम जातियाँ सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को सरकार की सोची समझी साजिद बता गए हैं। गौरतलब है कि विपिन नागर का आरोप है सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों का चुपचाप बड़ा खेल खेला जा रहा है। तो ये कह रहे हैं जिसमें पिछले वर्ग की जातियां सैनी, पाल, कश्यप, प्रजापति, मल्लाह, कीवट, बिंद, जोगी, निषाद, कुर्मी, दीवर, राजभर, मौर्य, कुशवाहा, तो यहाँ पे भी जातिवादता का असर, यानी कि अब भर्ती परीक्षा में जनरल बनाम OBC करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मौर्य, कुशवाहा, कुम्हार, जाट, गुर्जर, यादव, युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये भी बता रहे हैं। उनका मुख्यधारे में आने से पहले ही बाहर कर देना साजिश रची जा रही है। भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के 36,614 अभ्यर्थियों के लिए 34,500 पद, OBC 84,868 अभ्यर्थियों के लिए 18,630 पद, SC के लिए 24,308 अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद, ST के लिए 217 अभ्यर्थियों के लिए 1380 पद निर्धारित हैं। नियम के अनुसार उच्च मेरिट के सफल अभ्यर्थियों को पहले आरक्षित सीटों पर ही नियुक्ति होंगी, फिर आरक्षित श्रेणी के पदों को उनकी मेरिट से भरा जाएगा। इस प्रकार उच्च मेरिट के होते हुए आरक्षित वर्ग के SC OBC अभ्यर्थियों का हक छीना जा रहा है, जिससे कि OBC वर्ग के लगभग 15,000 अभ्यर्थियों को सरकार शिक्षक बनने से बड़ी चालाकी से रोक देगी।
नागर ने कहा, हमारी किसी भी वर्ग से कोई ईर्ष्या नहीं है। ये भी कहा जा रहा है, कोई ईर्ष्या नहीं किसी के साथ, किसी के हक मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, ना हम किसी भी वर्ग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक है हम उसको ये आवाज़ उठाएंगे। तो ये काफ़ी समय से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और टीवी पर दिखाया जा रहा है, शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जातियों के साथ किया जा रहा है अन्याय, ये मुद्दा उठाया जा रहा है यहाँ पे। और शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में जो 8 लोग डब्बे ऊँचे गए हैं, राहुल नामक एक अभ्यर्थी ने SSP सत्यात अनुरुद्ध पंकज से शिकायत की थी कि 7.5 लाख रुपये परीक्षा पास कराने के लिए लिए थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, बाद में पैसा नहीं लौटाने पर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और कसौटी पर शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा UGC के विशेषज्ञ जांचेंगे, 150 में से 142 सवाल, 5000 जमा करने की शर्त पर ओमायर सीट पर तलब, शिक्षक भर्ती पर रोक के खिलाफ विशेष अपील दाखिल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। और सिविल लाइन पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर आरोप में शिक्षा मित्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चौकी इंचार्ज विमलेश त्रिपाठी ने FIR दर्ज कर लिए। शिक्षा मित्रों को उन व्यक्तियों द्वारा करीब 20 की संख्या में कापियों के संशोधन की मांग कर रहे थे, इनमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। और लटक सकती है शिक्षकों की नियुक्ति, LT ग्रेड 2018 कहाँ से आएगा लाखों का बजट, उग्र विरोध का लिया था फैसला, शासन से मांगी गई राय। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब LT ग्रेड 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लटकती नजर आ रही है। आयोग ने 15 से 13 विषयों के लिए सहायक अध्यापक के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख के सत्यापन पूरा करने के बाद नियुक्ति की संशुष्टि की थी। इनके पत्रावली शिक्षा निदेशालय भेजी गई थी। चयनित अभ्यर्थी इस भरोसे में थे कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद निदेशक उनको नियुक्ति कर देंगे।